वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं पेंगोंग लेक। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, रेडी तो हो चुके हैं। तो ब्रेकफास्ट खत्म करके फिर हम लोग निकलेंगे पेंगोंग लेक की ओर। तो चलिए सब काम निपटा के फिर आप लोगों के साथ आके मिलते हैं। हम लोग निकल चुके हैं होटल से पेंगोंग लेक के लिए। हमारे होटल से पेंगोंग लेक का डिस्टेंस लगभग 150 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में लगभग 4 से 5 घंटा लगेगा अगर बीच में कोई रुकावट ना आए तो। 150 किलोमीटर के रोड में 100 किलोमीटर का रास्ता ऑफ रोड है और बाकी का रास्ता ठीक ठाक है। लेह से पेंगोंग जाने के लिए चांगला पास क्रॉस करना पड़ता है, जो एक हाई ऑल्टीट्यूड पास है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं चांगला पास। इधर थोड़ी देर रुक के फिर हम लोग निकलेंगे पेंगोंग की ओर। चांगला पास से पेंगोंग का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, जो पूरा ऑफ रोड होने वाला है। पेंगोंग जाने के रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया था, जिस चक्कर में हम लोगों को पेंगोंग पहुंचने में 1-1.5 घंटा ज़्यादा लग गया। तो फाइनली पेंगोंग का फर्स्ट व्यू मिल चुका है। तो आगे चल के दिखाते हैं आप लोगों को पेंगोंग का और भी सुंदर नज़ारा। हम लोग पहुंच चुके हैं पेंगोंग, तो फाइनली पहुंच चुके हैं। जिस पेंगोंग को इतने दिनों तक हम लोग वीडियो में और रील्स में देखते थे, अभी मैं खुद के आंखों से देख रही हूँ एकदम सामने। तो चलिए दिखाते पेंगोंग का व्यू। सच बताओ तो इंस्टाग्राम रील्स ही बोलिए, यूट्यूब बोलिए, जिसमें भी पेंगोंग लेक का वीडियो देखा था, जैसा भी देखा था, उससे भी खूबसूरत नज़ारा सामने से दिखाई देता है। इस पानी का कलर इतना सुंदर है, कभी तो मुझे डार्क ब्लू लग रहा है इस पानी का कलर, कभी लाइट ब्लू, कभी स्काई तो कभी पर्पल, ने कोई ठीक नहीं है कौन सा कलर का है ये पानी। और सामने से देखोगे तो एकदम साफ पानी, कुछ कलर दिखाई नहीं देगा। असल में क्या है ना, आसमान का कलर पूरा रिफ्लेक्ट होता है पानी में, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। हम लोग अभी कॉटेज आ चुके हैं। ये है हम लोगों का कॉटेज। इधर बहुत सारे कॉटेज हैं एकदम है। अरे एकदम सामने है पेंगोंग, आपको दिखा दे, एकदम क्लोज ही है तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इधर वेलकम टी वगैरह देते हैं, तो अभी पियेंगे। बहुत ठंड लग रहा है मुझे, लंच भी नहीं किया आज, तो अभी जाएंगे। अभी हम लोग थोड़ा चाय वाय पियेंगे। इधर का व्यू, तो ये है हम लोगों का कॉटेज के अंदर का व्यू। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इधर सभी कॉटेज ऐसे ही है, तो पेंगोंग में ऐसा ही रूम मिलेगा हर जगह। तो आज हम लोगों का पेंगोंग में सेकेंड डे है। बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी तक रूम से निकल नहीं पाई। बाहर -9 है अभी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी बह रहा है। तो थोड़ा सा धूप निकलने के बाद ही निकलूँगी रूम के बाहर। इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है ना, क्या ही बताए, हाथ पैर सब कुछ जम गया है मेरा एकदम से। क्या बोले, नल का पानी भी जम चुका है, इतना ज़्यादा ठंड है। इधर अलग से गर्म पानी देता भेजता है इधर,
सुबह का 8 बज चुके हैं अभी, तो जाएंगे 9:30 बजे लेक के पास, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रहा है ना। कुछ फोटोशूट भी होगा ना, कोई वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे इतनी ठंड में, तो इसलिए अभी नहीं जाना। अभी जाऊंगी थोड़ी देर बाद चाय पीने, गरम गरम चाय। अभी भी सुदीप सो रहा है ना, इसलिए नहीं उठी मैं, जल्दी उठ गई थी आज। आज तो आज इतना ठंड है और आज ही मेरा जल्दी आँख खुल गया, 7:45 बजे मेरा आँख खुल गया इतनी ठंड में, बहुत ज़्यादा ठंडी। तो हम लोग अभी आ चुके हैं लेक के साइड, पर अभी तक धूप नहीं निकला है, बहुत ठंडी हवा चल रहा है इधर। तो थोड़ा बहुत फोटो क्लिक करके फिर हम लोग निकल जाएंगे इधर से। मैंने भी सोचा मैं थोड़ी देर के लिए 3 इडियट्स की पिया बन जाऊं और अपने रैंचो को ढूंढूं। तो हम लोगों का ले रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो चुका है। मन तो नहीं हो रहा है आज पैंगोंग से घर जाने का, होटल जाने का, पर हम लोगों को और भी कई जगह विजिट करना है तो वो भी कवर करना पड़ेगा, इसलिए रिटर्न तो जाना ही पड़ेगा। हम लोग अभी होटल लौट चुके हैं। हम लोगों का पैंगोंग का सफ़र बहुत ही बढ़िया गया। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में रहे बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिए, टाइम टू टाइम मेरे वीडियो का अपडेट पाने के लिए। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट कीजिए। तो आज के लिए ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, कल के ब्लॉग में मिलते हैं। चलिए बाय।